नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदर की बात और जीएसटीवी न्यूज के साथ मैं हूं ध्वनि। सामाजिक कार्यकर्ता तिश्ता सितलवाड को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, साथ ही कहा है कि वह किसी गवाह को प्रभावित नहीं करेगी। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। सामाजिक कार्यकर्ता तिश्ता सितलवाड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सितलवाड मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेगी और उनसे दूर रहेगी। 1 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने तिश्ता की नियमित जमानत रद्द कर उनसे सरेंडर के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी और अब बुधवार को उन्हें नियमित जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर की जा चुकी है और उनकी हिरासत में पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सितलवाड को 2 सितंबर 2022 से लगातार जमानत पर माना जाएगा, साथ ही कहा कि वह किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर वह ऐसा करती है तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तिश्ता सितलवाड पर गुजरात दंगा मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर अदालत कार्यवाही को प्रभावित करने का है आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को बेहद अराजक दृश्य देखने को मिला। भाजपा के सदस्य दोपहर के भोजन के बाद भोजन के लिए रुके बिना सदन की कार्यवाही संचालित करने के अध्यक्ष के फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने सभापति के आसन की ओर कागज फेंके। फिर क्या हुआ, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को बेहद अराजक दृश्य देखने को मिले। भाजपा के सदस्य दोपहर के भोजन के लिए रुके बिना सदन की कार्यवाही संचालित करने के अध्यक्ष के फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने सभापति के आसन की ओर कागज फेंके। जब उपसभापति रुद्रप्पा लमानी कार्यवाही का संचालन कर रहे थे तब भाजपा सदस्यों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके बाद भाजपा के 10 विधायकों को स्पीकर के ऊपर कागज फेंकने के आरोप में शेष विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया। वहीं अब कर्नाटक विधानसभा सत्र से भाजपा के विधायकों को सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद भाजपा और जेडीएस ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इससे पहले दिन में विधानसभा ने बिना किसी चर्चा के 5 विधेयक पारित किए, जबकि भाजपा और जेडीएस सदस्यों का सदन की बेल में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उपसभापति द्वारा सदन स्थगित करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित भाजपा नेताओं ने कहा कि वे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामे के बाद कर्नाटक के भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। क्या लिया गया है निर्णय, क्या है मंदिर पॉलिटिक्स की अंदर की बात, देखते हैं रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है। केदारनाथ मंदिर में एक युवक द्वारा एक लड़की को प्रपोज करने और उसका वीडियो बनाने के बाद मंदिर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक में भी हिंदू इस तरह के प्रतिबंध की मांग कर रहे थे। इस मांग को स्वीकार करते हुए कर्नाटक सरकार ने सभी हिंदू मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल से अन्य भक्तों और कर्मचारियों को परेशानी होती है और कहा कि सभी भक्तों को मंदिरों में अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने होंगे। मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध तमिलनाडु के मंदिरों में भी है, वहाँ भी इसी तरह के नियम का पालन किया जाता है। इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन अब औपचारिक तौर पर इस पर रोक लगा दी गई है। भक्तों और कर्मचारियों को मंदिरों के अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के प्रति स्नेह जताया। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाने से क्यों पशुपतिनाथ पारस हुए चिंतित, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की बैठक में चिराग पासवान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने और पीएम मोदी के गालों पर हाथ रखकर उन्हें प्यार से गले लगाने का एक वीडियो वायरल हो गया है। चिराग ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस पर भी हमला बोला। पारस ने भी चिराग को गले लगाया, लेकिन मोदी के चिराग के प्रति दिखाए गए प्यार से पारस चिंतित है। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की शर्त रखी थी। पारस इस सीट से सांसद है और हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। पारस को लगता है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट चिराग को देने की शर्त मान ली है, इसलिए उन्हें यह सीट खाली करनी होगी। बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव के गठबंधन के कारण पारस के लिए कोई अन्य सीट सुरक्षित नहीं है। चिराग फिलहाल जमुई सीट से सांसद है, लेकिन यह सीट सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसलिए वह अपने पिता की परंपरा के मुताबिक हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई और चाचा भतीजा आमने सामने हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शुरुआती पहल के बाद विपक्षी एकता की कमान अब कांग्रेस ने संभाल ली है। कांग्रेस की शीर्षस्थ नेता सोनिया गांधी की पहल पर विपक्षी कुंबे में अब 26 दल आ गए हैं। क्या सोनिया के सक्रिय होते ही विपक्ष मोर्चा बन गया, देखते हैं रिपोर्ट में। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एकजुट होकर नया मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के तत्वधान में सभी विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद विपक्षी मोर्चे ने जो मूर्त रूप लिया, उसका श्रेय सोनिया गांधी को दिया जाता है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शरद पवार और ममता बनर्जी समेत कई नेता राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसके चलते विपक्षी एकता की बात आगे नहीं बढ़ पाई। सोनिया को यह बात समझ में आ गई, इसलिए वह सक्रिय हो गई और विपक्षी मोर्चे को संभव बना दिया। सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करने से किसी भी नेता को आपत्ति नहीं होगी। पहली बार सोनिया गांधी विपक्षी एकता के संघर्ष में सक्रिय हुई, जिसका सीधा परिणाम विपक्षी एकता के रूप में सामने आया है। कांग्रेस ने दिलचस्पी दिखाई और पटना में जुटे 15 दलों के कुंबे को बढ़ाकर करने की जो तरकीब चली, उससे अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की बादशाहत विपक्षी दलों में अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट।